जब भी कमरे की रंगाई करनी हो तो डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन जनरली जो है आजकल लोग प्लास्टिक पेंट प्रेफर कर रहे हैं। मजदूरी की कॉस्ट जो है अत्यधिक आजकल हो गई है। अगर सस्ता पेंट खरीदें या महंगा पेंट खरीदें, जो भी पेंट खरीदें, मजदूरी तो उतनी ही लगती है। अगर मजदूरी जो है फिक्स अमाउंट में लगती है तो उसमें कलर जो है अच्छे क्वालिटी का कराया जाए, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस वीडियो में देख रहे हैं हम कि वाटर बेस्ड पेंट है, प्लास्टिक पेंट है, ये वाटर बेस्ड पेंट है। ये सीलिंग में लगाने के लिए वाइट पहले ये पेंट को बनाया जाता है। पेंट में जो है अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर को मिलाया जाता है और फिर आवश्यकता अनुसार उसको गाढ़ा रखा जाता है, कितना गाढ़ा रखना है। और इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें रोलर से हम लोग पेंट करते हैं। तो ये पहले कलर को जो लिया गया है वाइट बेस में, ये कलर है वाइट है, तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको अच्छी तरह से मिलाया गया और आवश्यकता अनुसार कि कितना ये लगेगा, एक कोट या फिर दो कोट है। जनरली सीलिंग अगर अच्छे से किया जाए तो एक कोट में ही काफ़ी अच्छी शाइनिंग आती है। तो आवश्यकता अनुसार जो है ये कलर तैयार किया जाता है। कलर को एक बड़े बर्तन में लिया जाता है, बड़े बाल्टी वगैरह में लेके आवश्यकता अनुसार पानी इसमें मिलाया जाता है। जो पेंट है ये वाटर सॉल्युबल वाटर बेस्ड है। ये दो तरह की पेंट होती है, एक ऑयल बेस्ड होती है, एक वाटर बेस्ड। तो ये वाटर बेस्ड है, 2 लीटर है, एक एक लीटर के डब्बे में। दोनों लीटर का निकाला गया पेंट और इसे बड़े बाल्टी में डाला गया और आवश्यकता अनुसार पानी मिला के पेंट बनाया गया। पेंट में पानी डाला गया है, वाटर बेस्ड है तो, और उससे जो है काफ़ी स्टायर किया गया आवश्यकता अनुसार। पानी की मात्रा मिस्त्री जो है अपने अनुसार वो मारते हैं कि क्या सूटेबल है, किस डेंसिटी में उसको रोलर से किया जा सके, रोलर से चूने नहीं लगे, रोलर में काफ़ी स्टक नहीं हो जाए, काफ़ी गाढ़ा नहीं हो जाए। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है पेंट बनाने के लिए। पेंटर अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें पानी डालते हैं और स्टायर करते हैं, मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। तब तक वो मिलाते रहते हैं जब तक कि लगता है कि रोलर में अच्छी तरह ये चिपकेगा नहीं। ज़्यादा गाढ़ा होने से वो चिपकने की प्रॉब्लम होती है और फिर ज़्यादा लूज होने से वो फिर नीचे टपकने की भी प्रॉब्लम होती है। तो रोलर में जो है कलर सटा रहे और आराम से सीलिंग में जो है पेंट किया जा सके। ज़्यादा न गाढ़ा चाहिए रोलर के लिए और न ही ज़्यादा पतला। तो आवश्यकता अनुसार जो है इसमें बर्जर का पेंट है, ये प्लास्टिक पेंट है, अच्छी क्वालिटी का है। तो इसमें पानी लगा के स्टायर किया जाता है, घुमाया जाता है और उसकी डेंसिटी देखी जाती है कितना वो गाढ़ा है, किस डेंसिटी के साथ, किस गाढ़ेपन के साथ, किस विस्कोसिटी के साथ ये जो है रोलर में अटैच होगा। तो बार बार उसे ऊपर करके देखते हैं कितना गाढ़ा है ये। और पेंट तैयार कर रहे हैं सीलिंग के लिए, ये तैयार हो रहा है सीलिंग के लिए, तैयार हो रहा है ये पेंट। वाइट बेस में करना है, करने के बाद वाइट काफ़ी शाइनिंग, इसकी शाइनिंग जो है पुट्टी के बाद प्राइमर किया गया है दीवार में, और प्राइमर करने के बाद फिर जो है सीलिंग के लिए ये कलर प्रिपेयर किया गया है। तो कलर में आवश्यकता अनुसार पानी मिलाया गया और रोलर की मदद से इससे छत पे, इस पे रूम के सीलिंग पे इसको किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हमने कलर तैयार किया और कलर तैयार करने के बाद चूंकि 2 पेंटर हैं तो दोनों पेंटर थोड़ा थोड़ा कलर अपने लिए बाल्टी में ये ले ले रहे हैं कि दोनों सीलिंग में ये
करेंगे। तो जो कलर तैयार हुआ है उसको एक बाल्टी दूसरी बाल्टी में ट्रांसफ़र किया गया और इसी से दोनों पेंटर जो है अपना लेके वो रोलर में करेंगे। थोड़ी सी बाल्टी ये छोटी पड़ रही है रोलर जो में, रोलर करने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो ये रोलर में लेके ये इस तरह से पेंट छत पे इसके लगाया जा रहा है। एक बार रोलर में पेंट लगाने के बाद दो चार बार आगे पीछे का थोड़ा सा प्रेशर करके फोर्स करके कि कलर जो है चिपके दीवार से, और प्रेशर लगाते हुए आगे पीछे उसे बार बार खींचा जाता है, एक बार आगे एक बार पीछे। तो इस तरह से सीलिंग में ये वाइट बेस कलर किया जा रहा है, सीलिंग में वाइट बेस ये एक ही बार कोटिंग किया जा रहा है। एक कोटिंग में भी तीन चार बार जो है कलर आगे पीछे होता है, हो सकता है सर पहली कोटिंग में तीन चार बार जैसे कि आप देख रहे हैं किया जा रहा है, फिर कलर ख़त्म हुआ तो बाल्टी में इसे कलर लिया जा रहा है। बाल्टी थोड़ा छोटा है तो ब्रश की मदद से इसे कलर इसके ऊपर रोलर के ऊपर डाला जा रहा है। थोड़ी सी छोटी बाल्टी है इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, ब्रश से डालना पड़ रहा, टाइम टेकिंग है। अगर बड़ी बाल्टी होती तो आराम से थोड़ा बहुत लिया जाता। और फिर ये जो है वाइट जो मारा जा रहा है कलर, ये पुट्टी लगा हुआ दीवार है, पुट्टी के ऊपर प्राइमर किया गया, उसके ऊपर ये दीवार में थोड़ी सी घसाई हुई ठीक से हुई नहीं है, लेवलिंग ठीक से हो नहीं पाई इस दीवार की, फिर भी काम चलने लायक था। तो इसके ऊपर पुट्टी के बाद जो है ये प्रोसेस किया जा रहा है और कलर जो है लगाने के बाद उधर लगे यहाँ भी देख रहे हैं ये पेंट बनाए हैं, जिस तरह से ये वाइट बेस का पानी मिला के ग्रीन कलर है इसमें इन्होंने बनाया है, पानी डाल के ये प्लास्टिक पेंट का कलर बनाया है। और उसी तरह से जैसे ये वाइट में किए थे ये पैरोट ग्रीन में ये कलर कर रहे हैं, एक या दो कोटिंग देंगे तब ये अच्छी तरह से आएगा। ये तो पहली कोटिंग कर रहे हैं ब्रश से जो है किनारे का वो पोर्शन कर रहे हैं, स्विच बोर्ड के पास ब्रश से वो कर रहे हैं, ये स्विच बोर्ड में लगे नहीं, हालांकि टेप देके करना ये अच्छा होता है, लेकिन यहाँ टेप ये लगाया नहीं गया। तो किनारे किनारे टेप देने से स्विच बोर्ड वगैरह हैं या फिर किनारे के बॉर्डर वगैरह हैं काफ़ी अच्छी तरह से वो बनते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कारीगर हैं ब्रश की मदद से वो पहले जो कोना टाइप एंगल टाइप का रहा है उसको कर ले रहे हैं, उसके बाद ये रोलर यूज़ कर रहे हैं। तो रोलर से काफ़ी फास्ट काम हो रहा है, रोलर से जो है काम काफ़ी फास्ट हो रहा है। और शुरू में ही लगाते समय पेंट लगाते समय दो बार चार बार उसको ये लगाते हैं, पुट्टी किया गया है वॉल में, प्राइमर ये वॉल में मारा, वॉल में मारा गया है। सबसे पहले तो दीवार में पुट्टी किया गया था और उसके बाद फिर उसको घिसाई किया गया, घिसाई करने के बाद फिर टचअप वगैरह किया गया और फिर प्राइमर लगाया गया, प्राइमर के बाद ये फिर पैरों में कलर किया जा रहा है। अब ये मिस्त्री जो है रोलर से कर रहे हैं, रोलर से काफ़ी अच्छी पेंटिंग होती है। रोलर बड़े रोलर भी आते हैं, छोटे रोलर भी आते हैं, यहाँ छोटे रोलर की ज़रूरत है वहाँ। ये प्लास्टिक पेंट अगर कहीं लग भी जा रहा स्विच बोर्ड वगैरह में तो आराम से ये निकल जाता है कपड़ी पड़ के। तो प्लास्टिक पेंट की एक खासियत है कि इसे धोया भी जा सकता है, कभी अगर कुछ धूल वगैरह बैठ गया, गंदा वगैरह लग गया तो आराम से इसे धोया जा सकता है, कुछ गिर गया तो भी इसे धोया जा सकता है, धोने के बाद फिर ये नया जैसा दिखता है। एक दो दीवार इसकी जो है ग्रीन कलर में होगी और दो दीवार अलग कलर में होगी, तो दोनों के लिए 11x14 का रूम है ये, तो 2-4 किलो पेंट ग्रीन जो है लगने की संभावना है। और दूसरे कलर जो है दूसरे दीवार में किसी कलर के जो है 4 किलो पेंट लगने की संभावना है। तो इस तरह से रोलर की मदद से ये कलर किए जा रहे हैं,
और आप ध्यान दीजिएगा कि रोलर जो है दो तीन बार चल रहा है तो दो तीन बार चलने के बाद भी इसे एक कोटिंग कहा जाएगा, फिर ये सूखेगा, फिर इसके बाद दो तीन बार चला के उसको फाइनल किया जाएगा तो फिर दूसरी कोट होगा। पहली बार में कितनी बार भी ऊपर नीचे कर दे तो वो एक ही कोट में होगा, सूखेगा पेंट फिर दूसरा किया जाएगा तो वो दूसरी कोट में आएगा। रोलर को दो बार ऊपर नीचे कर दिए तो ये दो कोटिंग हो गया, तीन बार कर दिए तो तीन कोटिंग हो गया। पहली बार करेंगे अपने अनुसार, दो बार तीन बार चार बार जितनी बार में वो कलर आ रहा है उसके बाद सूखने के लिए देंगे, और सूखने के बाद फिर दूसरी बार करेंगे तो उसे डबल कोट कहेंगे। अभी जो है तीन चार बार रोलर करें या पाँच छः बार रोलर करें, जितनी बार भी करें, जितनी बार में कलर हुआ है उसको सिंगल कोटिंग कहेंगे। तो इस तरह से कलर जो है मार्बल के ऊपर थोड़ा आ गया तो ये मिस्त्री इसको साफ कर रहे हैं। स्विच बोर्ड को थोड़ा पोछ देना बाबू, स्विच बोर्ड को बोर्ड पे लग गया थोड़ा समय निकाल लेना, ये ज़्यादा समझदारी की काम होती है, इसमें काम जो है करने में थोड़ी सी पता चलता है कि हाँ काम की क्वालिटी अच्छी हो रही है। बाद में सफाई अगर साफ साफ होती जाए, रूम के दूसरे किनारे में ये पेंट की तैयारी चल रही है लेकिन ये लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ठीक से पुट्टी प्राइमर लगा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पुट्टी लगाया जा रहा है, इसको फिर रिपेयर किया जा रहा है। थोड़ा सा लग रहा है कि घसने की ज़रूरत है प्राइमर की बाद भी, तो फिर ये घसा जा रहा है, चूँकि ये दूसरे मिस्त्री ने किया था, प्राइमर लगाया था और ये दूसरा मिस्त्री है तो बता रहा है कि नहीं यहाँ पर ये थोड़ा सा रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो कहा गया है कि जैसे कि हाँ जहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत है आप दोबारा रिपेयरिंग कर दीजिए, और थोड़ी बहुत रिपेयरिंग है वो उसी समय हो जाएगी और फिर आगे ये पेंट मारेंगे। तो इस तरह से ये पेंटिंग का एक प्रोसेस है जिसे आप